नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू पूर्णिमास क्राफ्ट्स विला। मेरे पास ये कुछ एम्ब्रॉयडरी थ्रेड्स थे तो मैंने कुछ कलरफुल थ्रेड्स ले लिए हैं और मैं बनाऊंगी एक कलरफुल सा ड्रीम कैचर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने एक लंबी सी थ्रेड काट ली और उसे ऐसे डबल फोल्ड करके रखा मैंने है। काट ली है और ऐसे छोटे छोटे मुझे काटने हैं। इससे पहले डबल कर लेना है और ऐसे एक लूप इधर रखना है, एक ऑपोजिट डायरेक्शन पे। अब इसके जो एंड्स है इसे इस लूप से निकालना है और इसके जो एंड्स है इसे इस लूप पे डालना है। इसे दोनों तरफ से खींच लेना है। मैं एक और आपको दिखा देती हूँ। दो थ्रेड्स लेना है, इस तरह इसे हाफ्स करना है, इसके नीचे डालना है और एक इसके ऊपर। इसके एंड्स पोर्शन को इस लूप से निकालना है और इसके एंड्स पोर्शन को इस पे डाल देना है। बस अब दोनों ओर से इसे खींच लेना है। इस तरह बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसे टाइट कर लेना है। ये अब कंप्लीट हो गया है। तब मैं इसे एक कोम्ब से इस तरह धीरे 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 कर लेना है। इसी तरह इधर भी मुझे कर लेना है। अब मैं इसमें फेविकॉल और पानी का मिक्सचर कर दी हूँ। मैंने 50-50 हाफ पानी हाफ फेविकॉल। अब उसे इसी तरह लगा लेना है। अब इसे मैं ड्राई करने रख देती हूँ और मैं दूसरे कलर का भी ऐसे बना के फिर आपको दिखाऊंगी। मैंने डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का ऐसे बना दिए हैं। और मैंने एक पतले कार्डबोर्ड पर दो लीफ पैटर्न इस तरह से कट कर ली हूँ, एक छोटी एक बड़ी। तो अब इसमें मैंने थ्रेड का जो बनाया उसके ऊपर इससे लीफ पैटर्न को रख के मुझे साइड्स को इस तरह से कट कर लेना है, थ्रेड को कट कर लेना है। फेविकॉल लगाने से ये थोड़ा स्टिफ हो जाती है, तो फेविकॉल और पानी का मिक्सचर लगाना जरूरी है। इस तरह से कट कर लेना है। तो मैं सभी लीव्स को इस तरह से कट कर लूंगी। कुछ को मैं बड़ी रखूंगी और कुछ को मैं छोटी कट कर लूंगी। तो ये मेरे पास एक पुरानी छलनी थी तो मैंने इसके बीच का पोर्शन कट कर लिया है। अब साइड्स में मैं ये कॉटन थ्रेड को मैक्रम थ्रेड को लगा लूंगी। तो इस तरह से मुझे इसे राउंड राउंड घुमा लेना है। अब इस तरह मैं इसे पूरे सर्कल में लगा लूंगी। तो ये मैंने पूरे रिंग को कवर कर दिया है और ऊपर में एक मैंने हैंग के लिए भी बना लिया है। अब लीव्स भी तैयार है तो अब चलिए लीव्स को लगा लेते हैं। तो पहले हॉट ग्लू लगा लेना है और ये लीव्स को मैं इस तरह से उस पर स्टिक कर दूंगी। आप चाहे तो थ्रेड से इसे बांध भी सकते हैं। मैंने हॉट ग्लू लगाकर इस तरह से थ्रेड को लीव्स को लगा कर थ्रेड को उस पर घुमा देना है। तो ये अच्छी तरह से फिक्स हो जाएगी। तो इसी तरह से मुझे सभी लीव्स को लगा लेना है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लग रही है मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो इसी तरह से ग्लू गन लगाकर मुझे
सभी लीव्स को लगा लेना है। फ्रेंड्स, मैं हमेशा आप लोगों के लिए यूनिक क्राफ्ट्स लाने की कोशिश करती हूँ, तो आपको मेरी आइडियाज़ अच्छी लगती हो या वीडियो पसंद आते हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूले, ताकि मैं जो भी वीडियोस डालूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अब मैं इसे थोड़ा और डेकोरेट करूँगी, तो मैंने कुछ राउंड शेप की मिरर्स को लगा लिया है। ये अब कंप्लीट हो चुकी है और ये रही इसकी फाइनल लुक। तो एम्ब्रॉयडरी थ्रेड से बनी ये कलरफुल ड्रीम कैचर से तो मेरी दीवार की लुक ही चेंज हो गई है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सभी के साथ शेयर भी कीजिए और प्लीज़ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।